तो है ना, जल्दी बताओ क्या बात क्या है ऑफिसर। हमें रिपोर्ट मिली है कि इसने किसी पर हमला किया है। क्या? मैंने तुमसे छुपाया क्योंकि तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। आप ठीक तो हैं? कौन हो तुम? क्या फर्क पड़ता है? पीछे हट जाओ, चलो हमारे बीच में मत आओ। तुमने तुमने मारा मुझे। तुम्हें लगी तो नहीं? तुमने मुझे मारा क्यों? मैं तुम्हें सॉरी तो कह रहा था ना। तुमने मेरे हनी को क्यों मारा? वो ऐसा नहीं है। अरे देखो तो, मेरे दही तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। लेकिन इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? आप खुद ही देख लीजिए। चोट गहरी है ना, तुम्हें दर्द हो रहा है? इसने मुझे बहुत जोर से मारा है, लगता है मेरा सिर फट जाएगा। हॉस्पिटल ले चलो मुझे। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हम अब जा सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लेकर जाइए ने। अरे नहीं, जरा संभल कर। ध्यान से चलो। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। सच तो यह है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया था। इसने तो हाथ भी नहीं लगाया है ऑफिसर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये सच है, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आज तक तो इसके अपने दोस्तों से कभी लड़ाई भी नहीं हुई है। देखिए सारे पेरेंट्स ऐसा ही कहते हैं, गलती तो इससे हुई है। लेकिन जीहून ने किया क्या है? किसी की मदद करना गलत है क्या, बताइए? कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए उसे चोट लगी है और उस औरत ने इनके खिलाफ गवाही भी दी है। अगर वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा या कोई और आई विटनेस होता तो शायद कुछ हो सकता था। वैसे एक बात कहूँ, आप कुछ ले देकर मामला सुलझा क्यों नहीं देते? कैंगमैन, जीहून कहाँ है? वो आया क्यों नहीं? मुझे आज उसने फोन भी नहीं किया। तुम्हें पता है तुम कल उसके साथ थी ना? कल तक तो वो ठीक था, पता नहीं आज उससे क्या हुआ। गाइस, जीहून पुलिस स्टेशन में है। क्या? क्या? मैंने युरा को बात करते सुना है। जीहून पुलिस स्टेशन में? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ उसे? क्या हुआ उसे? जीहून के साथ क्या हुआ? मैंने सुना वो आदमी हॉस्पिटल में है। सच? तो अब जीहू का क्या होगा? लगता है जीहू के दिन भर गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? जीहू आखिर पुलिस स्टेशन में क्यों है? अब तक तो वो छूट गया होगा। उसने रास्ते पे चलने वाले कपल से झगड़ा किया और उस आदमी को मारा। ये झूठ है, तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे डैड की पहुंच बहुत ऊपर तक है और एडवर्टाइजिंग कंपनी भी मुश्किल में है। वो उसे एड में वापस लेने वाले थे। जीहू को इसका भी जुर्माना भरना पड़ेगा। जीहू तो बेचारा अब गया काम से। क्यों, उसकी फैमिली अमीर है? तुमने जो भी कहा सब बकवास है। चलो यहाँ से, अब हमें और कुछ नहीं सुनना। खैर देखते हैं किसका क्या हाल होगा। क्या जीहू की कहानी सच है? तुम पागल हो, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मुझे लगता है उसे जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हे, ये देखो। क्या क्या? अरे बाप रे, देखो ये सब सच है। आर्टिकल में लिखा है स्कूल यूनिफॉर्म मॉडल मिस्टर ए पर मुकदमा। उन पर आधी रात में मारपीट करने का आरोप है। विक्टिम मिस्टर बी ने इस मामले पर सुलह करने से मना कर दिया। मतलब सच में कैसे हो सकता है? क्या हुआ, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? I'm sorry, मैं बहुत परेशान था। आखिर हुआ क्या है? हाँ, आर्टिकल में क्या लिखा था? दरअसल वो पागल है, वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। क्या इसका कोई हल नहीं है? या तो सुलह कर सकते हैं
या फिर हमें कोर्ट में जाना होगा। तो तुम सुलह क्यों नहीं कर लेते हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हम सुलह भी नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि सुलह कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जरूर उनकी कोई चाल होगी। पता नहीं, हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब? कहना क्या चाहती हो? अगर ये उनकी चाल है तो वो पैसों की डिमांड करते, लेकिन उन्होंने सुलह करने से मना किया और फिर जीहू उनको फंसा लिया। सच है, शायद वो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। कुछ याद करने की कोशिश करो। हे शिनजी, मैंने तुम्हें अपने कदमों में नहीं झुकाया तो मेरा नाम बदल देना। तुम मेरे पैरों में रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, समझ जाओ। एक मिनट रुको रुको, पहले ये तो सोचो कि हम उनसे कहेंगे क्या, वो हमारी बात कैसे मानेंगे। हाँ, हम उनसे जीहून को छोड़ने की भीख मांगेंगे और उन्हें मनाएंगे। कौन हो तुम? हम जीहून के फ्रेंड हैं, आपकी मदद करने आए हैं। क्या मतलब मदद करने आए हो? वो पूरी तरह पागल है। वैसे तुम हो कौन, उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या? आप हमसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? मेरे ख्याल से इसमें जीहून की कोई गलती नहीं है। मैंने सुना है कि आपके पति ने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई। तो उसने तुमसे ये सब कहा? कितना बेवकूफ है वो। तुम्हें भी जेल जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि आपको जो गलतफहमी हुई है वो बस दूर हो जाए। बस बहुत हुआ, तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों से मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। अपने फ्रेंड से कहना पूरी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हो जाए। हटो पीछे। शायद हमें उनके पास जाना ही नहीं चाहिए था। बात और बिगड़ गई है, अब हम क्या करें? मुझे भी उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी। लेकिन वो लड़की मुझे कुछ अजीब लगी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे शक हुआ कि वो जीहून को जेल में डालने के पीछे क्यों पड़ी है। कुछ तो गड़बड़ है, वो उसे फंसा रही है। जैसा तुमने कहा था, कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो सारा। देखा तुमने? क्या? गुरा, ये यूरा के डैड की कंपनी है। ओ, मैं जानती थी, मुझे पहले ही इस लड़की पर शक था। नानी भी यूरा की फॉलोवर है, इसके पीछे यूरा का हाथ हो सकता है। जीहून ने उसे ठुकरा दिया, इसलिए वो ऐसा कर रही है ना? हो सकता है, वो पूरी तरह पागल हो गई। मुझे भी पक्का यकीन है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ओह, हेलो। हाय हुगुजून, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। क्या देख रहे हो तुम लोग? हम हमारे दोस्त के लिए सबूत ढूंढ रहे थे। ऐसा है तो मैं एक चीज दिखाता हूँ। क्या? ये देखो, ये इसी टेक्निक से कई सेलिब्रिटी के अफेयर्स का खुलासा हुआ था। सबके पीछे यूरा का हाथ है, इसलिए मेरे डैड का काम भी। क्या हुआ? और भी कुछ हुआ है क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने जल्दी करने को कहा, इसलिए हमने सब माल रेडी कर दिया और अब तुम कैंसिल कर रहे हो? तुम जानते हो तुम ये कैंसिल करोगे तो हमारा कितना नुकसान होगा। डायरेक्टर चो, डायरेक्टर चो, डायरेक्टर चो। मेरे डैड यूरा की कंपनी को माल सप्लाई करते हैं, मेरी वजह से उनको परेशानी हो रही है। ये तुम्हारी वजह से नहीं, यूरा की वजह से हो रहा है। चलो कुछ खा लो और फ्रेश हो जाओ। चलो। हुँ? हुँ?
फिक्र मत करो जीहून, हमारे पास रिवेंज नोट है। जल्दी आ गई। तुम क्या चाहती हो? और बताओ जीहू कैसा है? उसकी तो हालत बहुत बुरी होगी ना? हाँ, तुम्हारी वजह से। अच्छा, तुम उसकी मदद करना चाहती हो? उसकी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगी। चोट भी तुमने दी, मरहम भी तुम लगाओगी, पर मेरी एक शर्त है, तुम जीहू से ब्रेकअप कर लो। मैं जीहून से ब्रेकअप कर भी लूं तो क्या जीहून तुम्हारे पास आएगा? शायद। ये कभी नहीं हो सकता। इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? बार बार क्यों बतानी पड़ती है? मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा कुछ ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुको जीहू, रुक जाओ। कैसे पता चला मैं वहां थी? गायों ने मुझे बताया कि यूरा तुम्हें परेशान कर रही है। तुमने तो उसे और गुस्सा दिला दिया है। कोई बात नहीं है, अब फिक्र करना छोड़ दो और अच्छी अच्छी बातें सोचो, है ना? मेरा फोन कहाँ है? अगर मेरा फोन गया तो मैं भी गई। क्या करूं? अरे नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हम जल्द से जल्द वो रेडी कर देंगे। हाँ, मैं आता हूँ, बस अभी आता हूँ। पता नहीं और कब तक सहना पड़ेगा ये सब, कब बंद होगा ये नाटक? ओह, थैंक यू। पता है जीहून ने कहा वो सब संभाल लेगा, लेकिन मुझे डर है अगर उस पर लगा इल्जाम सही साबित हुआ तो। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा फोन, तुम इसे वहीं भूल गई थी। थैंक यू सो मच। सॉरी, गलती से तुम्हारा फोन पानी में गिर गया था। आई एम सो सॉरी। ये क्या हो गया? कम से कम रिवेंज नोट चल जाए बस। ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरा फोन। क्या फोन खराब हो गया, इसलिए मुंह लटका के बैठी हो? हुगु, मेरा फोन ठीक कर दोगे प्लीज? मुझे पता है तुम्हें फोन ठीक करना आता है, प्लीज। आखिरकार तुम्हें मेरी स्किल्स की जरूरत पड़ी गई, दिखाओ।
सुनो, कहा था ना जल्दी पहुंचना। हाँ, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, समझे? पार्किंग नहीं मिल रही थी मैडम। तो अब तुम बहाने भी बनाने लगे हो। लगता है तुम्हें काम की जरूरत नहीं है, तुम्हें छुट्टी चाहिए, वो भी परमानेंट। हाँ सुनो, अगर दोबारा ऐसा हुआ हाँ तो अच्छा नहीं होगा। आप तो यूरा के, आपके चेहरे पर क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। मैं ये जीहू को देना चाहता था, लेकिन वो मिला नहीं मुझे। ये क्या है? इसमें इस कार में लगे कैमरे की फुटेज है, इससे जीहू पर लगे इल्जाम हट जाएंगे। उससे कहना इसे देख ले एक बार। लेकिन ऐसा करने से आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? यूरा गुस्सा हो जाएगी तो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है उसमें उन्हीं की गलती है। वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी नहीं बचेंगे। सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन पैसा बहुत जरूरी होता है, वरना गरीब की कौन सुनता है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। जल्दी ही ये फुटेज मेरे डैड पुलिस को दिखा देंगे और मुझ पर से इल्जाम हट जाएगा। अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सही कहा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जेल की हवा कैसी होती है। फिर यूरा का क्या? उसका क्या करेंगे? वो लोग यूरा को कुछ नहीं करेंगे, पैसे के दम पर वो छूट जाएगी। हम उस फुटेज के बिना कुछ नहीं कर पाते, ये तुम्हारी वजह से हो पाया है। मैंने तो कुछ नहीं किया। आओ बैठो। थैंक यू। थैंक यू काफी नहीं है, लो इसे भी पी लो। गिन लो, पूरे 10 पैकेट्स हैं और इन सबको मिलाकर तुम्हारा बिल अमाउंट होता है 2,000 रुपए। जल्दी दो। ये रहे तुम्हारे पैसे, चेंज भी रख लेना। वैसे इस तरह के 10 कूपन्स जमा करने पर तुम्हें एक बार का चिकन फ्री मिलेगा, ठीक है? मजे से खाना। रुको,
इस ऑयल की बदबू आ रही है, तभी तो इनका चिकन इतना सस्ता है ना? हम इतना बकवास चिकन नहीं खाते। मैं इसे रोज खाती हूँ, मेरे डैड अच्छा चिकन बनाते हैं, तुमने इसे टेस्ट भी नहीं किया है। हाँ, अच्छा लो अब खाओ तुम। फ्रेंड्स, तुम सब पढ़ाई अच्छे से करना, वरना तुम्हें भी इसी तरह चिकन डिलीवरी करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था इस भोले चेहरे के पीछे एक शेरनी छुपी है। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? तुम ठीक हो? उसका चेहरा तो मुझसे भी बुरा है, आज के बाद वो मुझसे पंगा नहीं। सुनो, किसी ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है। कौन है वो? तुम हो? हाँ, तुम हो या तुम हो? मॉम। हाँ, वो रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बीच में मत पड़ो। हाँ, बच्चे होकर मेरा हाथ पकड़ा? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? छोड़ो हाथ। क्या क्या देख रही हो ऐसे? हाँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। रुकिए मैम, रुकिए, ये हटो। ये आप क्या कर रही हैं मैम? रुक जाइए प्लीज, आप स्कूल में ऐसा नहीं कर सकती हैं। तुम हो इनकी टीचर? हाँ। लगती तो नहीं हो जी। क्या देख रही हो? अभी बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो वरना तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगी, समझी? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। इसे तो मैं देख लूंगी। नहीं, मैं ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी। हाँ, आप इसे नौकरी से निकाल दीजिए। देखिए मैम, हमें पहले हालात को समझना होगा, हम ऐसे किसी को निकाल। आपको इसका चेहरा नहीं दिखता? अपनी बेटी का यह हाल देखने के बाद मैं कैसे शांत रहूं? आप लोग इसका भी चेहरा देखो, इसे भी तो चोट लगी है ना। पहले इसने लड़ाई शुरू की। हाँ? मैं तो ऐसे ही खड़ी थी, इसने अचानक मुझे मारना शुरू कर दिया, पागल। आप चाहो तो क्लास में सबसे पूछ लो। मॉम, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। देखा आपने मेरी बेटी कितनी डर गई है। मिस जंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। लो आप खाओ। फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ाई करना, वरना तुम्हें भी इसकी तरह चिकन डिलीवरी करना पड़ेगा। इसमें गुही की कोई गलती नहीं है। तो क्या हुआ? यूरा ने क्या गलत कहा? सही तो कहा। तुम एक चिकन डिलीवरी गर्ल हो, उसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अपनी औकात देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? हाँ, अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में, बिल्कुल चुड़ैल जैसी दिखती हो। हाँ, चुड़ैल, चुड़ैल तुम लगती हो, मैं नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुमने मुझे चुड़ैल कहा? मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। तुम्हें और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? मैं कुश्ती चैंपियन रह चुकी हूँ, बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा चुकी हूँ, समझी? ठीक करके रहूंगी, मुझे चुड़ैल कहती है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चटनी बना दूंगी। कहाँ जा रही हो? जानती नहीं मुझे।
ना लेगी। मैंने तुम जैसी घटिया औरत देखी नहीं है अपनी जिंदगी में। मैं चिकन की तरह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। हाँ चलो बेटी हम यहाँ से चलते हैं। इन सबको तो मैं बाद में देख लूंगी। अरे जा जा ये तेवर किसी और को दिखा। मेरे सामने ये तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। पीछे हटो फोटो मत खींचो। जाओ मेरे रास्ते से। रुक जाओ प्लीज। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। हट जाओ प्लीज। मुझे अंदर जाना है। दूर हटो। रास्ता छोड़ो जाना। दूर हटो प्लीज। आप लोग यहीं पर रुक जाइए। गोराई कॉर्पोरेशन की चेयरमैन चोई यांग की अपने ड्राइवर के साथ मारपीट करने और धमकाने के आरोपों का खुलासा हुआ है। कुछ बात नहीं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती नजर आई है। टेढ़ी औरत है हा? हमें धमका रही थी लेकिन लगता है खुद ही जेल जाएगी अब। मॉम आपकी पिटाई से इसके होश उड़ गए। डैड आपको पता है मॉम कितनी अच्छी कुश्ती लड़ती है। हाँ पता है। इसने बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ाए हैं। इसका बस चलता तो ये उसका खून कर देती। ये हुई ना बात। इसे तो और पीटने का मन कर रहा है। तुम्हें तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। तमीज औरत कहीं की। ये लो। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वापस इसे खराब मत कर देना। थैंक यू सो मच। रिवेंज नोट। ये मैं क्या कर रही हूँ। मुझे इसके बिना रहने की आदत डालनी होगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इसे खत्म करना होगा। आज तक मेरा साथ देने के लिए थैंक यू रिवेंज नोट।